पद्मश्री के मोहम्मद बुधवार को नागपुर स्थित स्मृति मंदिर रेशमबाग पहुंचे। यहां उनका स्वागत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा भगैया जी ने स्मृति चिन्ह व पुस्तकें भेंट कर किया। इस दौरान के मोहम्मद ने हेडगेवार स्मारक समिति से संबंधित गतिविधियों की जानकारी लेते हुए संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की। यहां उन्होंने संघ के संस्थापक और पहले सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की समाधि और संघ के दूसरे सरसंघचालक श्री गुरु जी के स्मृति चिन्ह के दर्शन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही के मोहम्मद ने डॉक्टर हेडगेवार जी के निवास स्थान का भ्रमण भी किया। शांत स्वभाव वाले इस मुसलमान ने प्राचीन मंदिरों को सहेजने में अपनी पूरी उम्र लगा दी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में उत्तर भारत के मुखिया के तौर पर 2012 में रिटायर हो चुके के मोहम्मद के नाम का जिक्र बटेश्वर के प्राचीन मंदिरों के साथ अक्सर होता है। के मोहम्मद ने पहले मुरैना के खनन माफियाओं से, फिर निर्भय गुज्जर जैसे दुर्दांत डाकुओं से सामना करके बटेश्वर के 200 प्राचीन मंदिरों में से 60 मंदिर को अपने मूल रूप में खड़ा किया था। यही नहीं, वो अपने शानदार काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं। केरल के कालीकट के रहने वाले के मोहम्मद पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पूर्व महानिदेशक बीबी लाल की टीम का अहम हिस्सा भी रहे। साथ ही 1976 में बने उस टीम का भी हिस्सा रहे जिसने राम जन्मभूमि संबंधी पुरातात्विक खुदाई की थी। हालांकि जब उन्होंने उस वक्त ये बयान दिया था कि अयोध्या में राम का अस्तित्व है, इसे लेकर उनको विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन के मोहम्मद ने कहा कि झूठ बोलने के बजाय वो अपना फर्ज निभाते हुए मरना पसंद करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 65वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में 22 से 25 नवंबर को निर्धारित है। इसमें देश भर के लगभग 2000 से अधिक छात्र छात्राएं, शिक्षक, शिक्षाविद और कार्यकर्ता भाग लेंगे। झारखंड प्रांत से प्रदेश सह मंत्री संजय मेहता अधिवेशन के निमित्त प्रांत प्रमुख बनाए गए हैं। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने वर्ष भर में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा एवं रूपरेखा बनाने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करता है, जो कि इस बार आगरा के MG रोड स्थित आगरा कॉलेज मैदान पर आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन में विभिन्न राज्यों की कला संस्कृति, वेशभूषा और भाषा की झलक लघु भारत के रूप में दिखाई देगी। साथ ही अधिवेशन में सार्वजनिक कार्यक्रम, युवा पुरस्कार समारोह, प्रस्ताव सत्र के अतिरिक्त धारा 370, NRC जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सामूहिक चर्चा होगी। अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद का संघर्ष व प्राथमिकता, भविष्य का भारत, संगठन विस्तार, कार्य पद्धति, महिला विमर्श आदि विषयों पर सत्र आयोजित होंगे। अधिवेशन में ब्रज की गौरवशाली एवं ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाते हुए समाज व छात्रों के लिए प्रेरणा देने वाली आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। 4 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद के 70 सालों के इतिहास में किए गए श्रेष्ठ कार्यों को भी दर्शाया जाएगा। 22 नवंबर 1830 को गांव भोजला में जलकारी बाई का जन्म हुआ। उनका जन्म एक गरीब कोरी परिवार में हुआ था। छोटी सी उम्र में ही जलकारी के ऊपर से माता जमुना देवी का साया उड़ गया। इनके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी पिता सदोबा सिंह पर आ गई थी। पिता ने झलकारी को स्वावलंबी बनाने के लिए बचपन में ही घुड़सवारी और तलवारबाजी की शिक्षा दी। झलकारी का विवाह झांसी किले के बहादुर सैनिक पूरन कोरी से हो गया। पूरन ने भी उन्हें हथियार चलाने की अतिरिक्त शिक्षा दी। वो एक साधारण सैनिक की तरह रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल हुई थी, लेकिन बाद में वो रानी लक्ष्मीबाई की विशेष सलाहकार बनी और महत्वपूर्ण निर्णयों में भी भाग लेने लगी। रानी लक्ष्मीबाई की शक्ल झलकारी बाई से मिलती थी। इसी कारण जब अंग्रेज़ों ने झांसी के किले पर हमला किया, तब ये तय हुआ कि झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के भेष में अंग्रेज़ों से लड़ेंगी। किले की सारी सुरक्षा अब झलकारी बाई के हाथों में थी। वो सैनिकों को हुक्म देती और स्वयं भी अंग्रेज़ों से लड़ती। इस बीच खबर मिली कि पूरन कोरी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए। पति का शोक मनाने के बजाय झलकारी अंग्रेज़ों से लड़ती रही। अंग्रेज़ों के कई सैनिकों ने मिलकर झलकारी बाई को बंदी बना लिया। जनरल रोज को सूचना मिली कि रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया गया है, परंतु वो रानी ना थी। जनरल रोज को जब इसकी सूचना मिली, तब उसने 1858 को झलकारी बाई को तोप के गोलों के आगे रखकर उड़वा दिया। बुंदेलखंड में प्रचलित एक लोक कथा के अनुसार झलकारी बाई के शौर्य को देखकर एक अंग्रेज़ अधिकारी ने कहा था, अगर भारत की 1% महिलाएँ भी झलकारी बाई की तरह सोचने लगी तो अंग्रेज़ों को जल्द ही भारत छोड़ के भागना पड़ेगा।
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने झलकारी बाई के पराक्रम को सम्मान दिया और उनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया।